एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, 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 we want justice। हम ना चक्का जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे। हम ना चक्का जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे। हम ना चक्का जाम करेंगे, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी। वरना गद्दी छोड़ दो, हक हमारा हमको दो, वरना गद्दी छोड़ दो, हक हमारा हम। मुझे 7 साल हो गए अरुणाचल में, तो हम कल गए थे जम्मू प्रोटेस्ट करने के लिए, वहाँ पे हम पे लाठीचार्ज हुए। मैं हम सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर को ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा हम कौन सी डिमांड्स कर रहे हैं जो वो जिसके लिए उन्होंने कल इतना लाठीचार्ज करवाया है हमारे पे। और मैं एक तो यहाँ पे जब वो यहाँ पे कठुआ में उनका यहाँ पे विजिट था, एक बार भी उन्होंने, उनको पता था कि अरुणाचल यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, वो एक बार भी यहाँ पे आके उनसे, उन्होंने हमसे बात नहीं की। उल्टा वहाँ से फ़ोन करवा के हमें ये बोल दिया गया कि वहाँ मैं वापस जम्मू जा रहा हूँ, मुझे काम है, मैं वापस जम्मू जा रहा हूँ। फिर यहाँ से जब हम उठते हैं 5 बजे आके यहाँ पे, वो तब वो कहाँ गए थे, तब उनको जम्मू में काम नहीं था। वो फिर यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे, मतलब वो हमें धोखे में रख रहे हैं। एक तो वो मीडिया में ये कहते हैं कि मैं बाली भक्त हूँ, मैं किसी को धोखे में नहीं रखता हूँ, फिर ये कौन सी कर रहे हैं वो, ये तो धोखे में ही रख रहे हैं हमें, धोखे में हमें ये कह के कि मुझे, मैं जम्मू जा रहा हूँ, कि यहाँ पे आके आप खुद यहाँ पे आके बयान देते हो। एक तरफ हमें ये कहते हैं कि मुझे इनके स्ट्राइक पे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा ऊपर ये कहते हैं नहीं, मैंने इनकी फाइल आगे भेज दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया। हमें ये कहते हैं 9 महीने से हो गया, 9 महीने से अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया उनका, आज वो ये चीज़ आके हमें ये कहते हैं नहीं मैंने फाइल भेज दी है। वो 9 महीने से तो फाइल गई है, 9 महीने से हमें यही सुनते आ रहे हैं फाइल गई है, कब उसका रिजल्ट आएगा। कल वो हम पे लाठीचार्ज करवाते हैं, वहाँ पे हमारे ही कुछ लोगों को बुलाते हैं, आओ मुझसे मिलो, मुझे आपसे बात करनी है, आधे घंटे में आप आओ मेरे पास मिलने आओ। यार हम उनसे पूछने चाहते हैं, वो तो अपनी गाड़ियों में निकलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आने में, लेकिन जो हमारे वहाँ पे भाई बैठे हुए हैं उनको प्रॉब्लम होती है। उनको अगर वो बसेस जाएंगे, मेटाडोर से जाएंगे, जैसे भी करके जाएंगे, वो पूरी ट्रैफिक से निकल के जाएंगे, उनको टाइम लगता है, आधे घंटे में कोई भी सेक्टर तक नहीं पहुँच पाता। उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, जब वो रोड पे निकलते हैं उनके लिए गाड़ी रोड क्लियर हो जाती है, कोई ट्रैफिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, रोड साफ हो जाती है, वो आराम से चले जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि उनको इतना ज़रूरी काम पड़ गया कि वो निकल गए। मतलब ये तो धोखे वाली बात है, एक आप किसी को बुलाते हो बात करने के लिए बुलाते हो, दूसरा अब यहाँ आके आप उनको धोखा देके निकल जाते हो। आपने कोई बस में तो जाना नहीं था, ऐसी कौन सी बस आपकी छूट रही थी कि जो आपको 2 घंटे के बाद आपको बस मिलनी थी तो आपकी बस छूट गई, जाना तो आपने अपनी ही गाड़ियों में था। फिर आपके 2 मिनट अपने जिनको आपने बुलाया था, जिनके लिए आप, जो आपके लिए काम करते हैं, आपने उनको बुलाया था, आप क्या उनका वेट नहीं कर सकते थे? ऐसी कौन सी डिमांड रख दी है हमने, ऐसी कौन सी डिमांड रख दी है हमने कि आप उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते? अपने ही, हम कहते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे, क्यों हम इक्वल वर्क नहीं करते? हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ की पल्स पोलियो की ड्यूटी हमने देते हैं, RCH के रजिस्टर भरे जाते हैं। हमारी परमानेंट मेमो को पूछो जिनको अभी तक ये नहीं पता RCH रजिस्टर कैसे बने होते हैं, ये हमारी NRHM वाली भर्ती है। हमारी हमसे नाइट ड्यूटी करवाई जाती है, हमसे मॉर्निंग करवाई जाती है, हमें वेट करवाई जाती है, कभी हमसे ये नहीं पूछा अगर हम वेट करते हैं, हमसे कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप जब 8 बजे जाओगे आप कैसे जाओगे, आपके पास गाड़ी है जाने के लिए कि नहीं है। लेकिन ये है कि हम तब उनको ये आता, आप NRHM वाले हो, आप जो जैसा भी करना है आप करो, आपको ड्यूटियाँ देनी है। मैटरनिटी लीव नहीं है हमारे पास, क्या जो हमारी फीमेल्स है क्या वो प्रेग्नेंट नहीं होती, क्या उन्होंने बच्चे नहीं करने हैं, क्या उनके बच्चे नहीं होते? हमें ये समझाया जाता है, लोगों को समझाओ 6 महीने अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनको कोई हक नहीं है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं, वो अपने बच्चे की 6 महीने अपने बच्चों की देखें, वो अपने बच्चों की केयर करें? ठीक है, ये हमारे लिए ये नहीं है कि हमें कोई CR तक नहीं दी जाती है। हमारी 15 छुट्टी होती है, उसमें भी हमें दिखाया जाता है कि आप तो NRHM वाले हो, आपकी तो कोई छुट्टी बनती नहीं है। क्यों? हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारे घर में कोई इमरजेंसी नहीं आती है, उनके घर में ज़्यादा इमरजेंसी आती है, हमारे घर में कोई इमरजेंसी नहीं आती है। रही बात हमें परमानेंट करने की, हम अब हमारे बीच में कुछ ऐसे भी हैं जिनको 12 साल हो गए, तो 12 साल मुझे नहीं लगता कि 12 साल में ओवरेज हो गए हैं तो वो कहीं अब कुछ कर भी सकते हैं। और मैं तो हेल्थ मिनिस्टर जी को इतना ही कहना चाहती हूँ,
वो देखे कल जो भी उन्होंने, हम खुद वहाँ पे थे, हमें पता है जो हमारे हमारे वहाँ पे कितनी लाठीचार्ज हुई है, जिनको लगी है हमने वो भी देखा वहाँ पे। लेकिन क्या उन्होंने, उनको ये नहीं हुआ जिनकी वजह से हम अवार्ड लेते हैं, और उन लोगों की वजह से ही आज उन्हीं लोगों पे मैं डंडे बरसा रहा हूँ। क्यों वो ऐसे क्यों हो रहा है? कभी वो रजौरी में जाते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं आप रजौरी आ जाओ हमसे बात करने, क्यों हम क्यों रजौरी जाए? अगर सेक्रेटरी जम्मू में है तो वो जम्मू में आके क्यों नहीं हमसे बात करते? क्यों नहीं वो हमारे सामने आके हमसे बात करती है? यहाँ कठुआ आना था, वो हम लोगों से, हम लोगों के सामने नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उनको हम लोगों का जवाब देना पड़ता है, हम लोगों जो पूछते हैं हम लोगों को जवाब देना पड़ता है उनको। हम यहाँ से आज 8-9 दिन हो गया हमें यहाँ स्ट्राइक में बैठे हुए, लेकिन ना हमारे कभी हेल्थ मिनिस्टर ने आके ये पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के MLA तक, हमारे BMO CMO किसी ने अभी तक यहाँ पे आके हमें ये नहीं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनको पता है हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम ड्यूटियाँ करते हैं हमें पता है, उनको भी पता है हमारी क्या प्रॉब्लम। जब ड्यूटियाँ लेनी होती है तो उनको ये नहीं होता कि आप NRHM वाले हो, लेकिन जब पे कर देनी होती है, जब रेगुलर की बात आती है, जब मैटरनिटी लीव की बात आती है, तब हम रेगुलर हो जाते हैं, तब हम NRHM के हो जाते हैं, तब हमें ये कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट वाले हो, आपको तो ये बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती? हम, ये हमारा हक है। अब पल्स पोलियो की ड्यूटी आई, पिछले साल जब हमने स्ट्राइक में बैठे थे तब इन्होंने, इनको पता था पल्स पोलियो आने वाला है, पल्स पोलियो की ड्यूटियों को ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्यूटियों के लिए NRHM वाले ही जाते हैं। ये जो वहाँ पे अवार्ड लेते हैं, एक बार ये फील्ड वर्क में उतरे, इनको पता चले कि फील्ड वर्क कैसे होता है, कैसे पल्स पोलियो होती है। कभी एक बार हिली एरिया में जाए, हिली एरिया तो छोड़े, ये एक बार हमारे प्लेन एरिया में आए, इनको पता चले कि कैसे ड्यूटियाँ होती हैं, कैसे पल्स पोलियो होते हैं। ये अब आपकी मेन डिमांड क्या है? हमारी तो मेन डिमांड यही है कि हमें रेगुलर करें, और जो कल हमारे पर लाठी चार्ज हुआ है, हम आगे से के लिए ये कहते हैं कि आगे से हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पीसफुली जो भी करना था हमने प्रोटेस्ट। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज हमारे 8 दिन पूरे हो चुके हैं स्ट्राइक के, NHM एम्प्लॉइज यूनियन के, मैं हीरानगर से आया हुआ हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में हम पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। कल हमारी पूरी टीम जम्मू में गई हुई थी और वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। तो बहुत दुखद बात है और बहुत अफसोस की बात है कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, हमने सबसे पहले जेन्युइन डिमांड की थी कि इक्वल वर्क इक्वल पे की हमारी डिमांड को माना जाए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे फेवर में इसका फैसला लाया हुआ है, लेकिन हमारी शायद गूंगी और अंधी सरकार है जो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आज हम मजबूर हुए हैं कि पढ़ने लिखने के बावजूद डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स हमारा पूरा मैनेजमेंट स्टाफ आज सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हुआ है। तो आज हम 8 दिन इसके क्रॉस हो चुके हैं, तो आज ये प्रदर्शन हमारा पीसफुल जो प्रदर्शन है हमारा ये जारी है, जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाता, और मेन मांग हमारी रेगुलर है।